गाइज कुछ यूट्यूबर सभी के टाइम पे व्यूज के लिए इतना गिर चुके हैं कि वो अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग गोल्डन डेज वापस लाने को बोले, उसका मतलब है कि हम लोगों ने 2017-18 को वापस लाने को बोला, या तो 2017 जैसा लो ग्राफिक करने को बोला। तो भाई उन अकल के अंधों को समझा देना, हमारा गोल्डन डेज से ये मतलब नहीं था कि 2018 को वापस लाया जाए, बल्कि हमने अभी के टाइम को पहले जैसा गोल्डन टाइम बनाने की बात की। और वो होगा कैसे, जब पहले जैसा क्रेज होगा, पहले की तरह हार्ड रैंक पुश होगी, जिससे रैंक पुशर्स को भी इज्जत मिलेगी। इसलिए हमने रिवाइव पॉइंट हटाने को बोला ताकि रैंक पुश थोड़ी हार्ड हो सके। आपको याद होगा फ्री फायर के 90% यूट्यूबर बीआर रैंक पुश से ही ग्रो हुए थे। चाहे तुम अज्जू भाई, ज्ञान भाई, टोंडे भाई, आयुष भाई, एसके सबीर बॉस, किसी को भी देख लो, ये सब बीआर रैंक पुश से ही ग्रो हुए थे। और पीसीएन मैन भी इसीलिए बोला ताकि सारे यूट्यूबर बीआर रैंक में पहले की तरह लाइव खेले, मस्ती करे, ऑडियंस को भी देखने में बहुत मजा आता था। एंड सेंटिनो की एबिलिटी चेंज करने बोली क्योंकि उससे गेम बहुत डिसबैलेंस होने वाला था और गरीना उसे नेक्स्ट ओबी अपडेट में जरूर चेंज करती, लेकिन तब तक गेम की वाट लग जाती। इसलिए मैंने सोचा इसे आने से पहले ही चेंज करवाना होगा और मुझे पता था कि इसके ऊपर कोई भी आवाज नहीं उठाएगा, इसलिए मैंने आवाज उठाई, स्ट्राइक भी खाई, लेकिन आप सभी के सपोर्ट से फाइनली वो चेंज हो ही गया।